हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। आप सब बहुत बढ़िया होंगे। मैं सचिन अरोड़ा एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं अरोड़ा एजुकेटर के इस ऑफिशियल प्लेटफॉर्म पे। आज के इस सेशन में हम लोग बात करेंगे बहुत ही बढ़िया तरीके से राजस्थान कंप्यूटर टीचर के मॉक टेस्ट पर, और आज है इसका डे 1। क्या ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे? तो आंसर है बिल्कुल यस। जितनी भी कंप्यूटर टीचर की वैकेंसीज निकलती हैं ऑल ओवर इंडिया, वहां पर जो क्वेश्चन का लेवल है वो ऐसा ही रहता है जैसा आपको यहाँ पर मॉक टेस्ट में देखने को मिलेगा। इवन सेम क्वेश्चन भी विद सेम ऑप्शन आपको एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। तो बहुत अच्छे से यहाँ पर क्वेश्चंस को देखिएगा। बहुत ही मेहनत करके इन क्वेश्चंस को आपके लिए डिजाइन किया गया है। कोशिश करिएगा कि क्वेश्चन पढ़ने के बाद बिना ऑप्शंस में जाए आपको आंसर पता होना चाहिए, तभी तो कंप्यूटर पढ़ने का मजा है। और कंप्यूटर यकीन मानिए एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आप 95% तक स्कोर कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं आज के सेशन में, हैव अ लुक। साथ ही साथ अगर आप लोग कंप्यूटर का एक कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं जो कि राजस्थान कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर के लिए डिजाइन किया गया है, बेस्ट कोर्स, इसके बाहर कुछ भी नहीं आएगा। यानी ये कंप्लीट कोर्स रहने वाला है जो जहां पर आपको वीडियोस और पीडीएफ दोनों प्रोवाइड की जा रही हैं। क्या क्या फीचर्स होंगे इस कोर्स के, इसके बारे में भी एक बार डिस्कस कर लेते हैं। 60+ आवर का बेस्ट वीडियो क्लासेस हैं, पीडीएफ नोट्स हैं, टॉपिक वाइज कॉन्सेप्ट, टॉपिक वाइज एमसीक्यूज, मॉक टेस्ट, मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस, और वैलिडिटी रहने वाली है 12 मंथ्स फ्रॉम दी डेट ऑफ परचेज। तो अगर आप में से कोई भी कोर्स को ज्वाइन करना चाहता है तो अरोड़ा एजुकेटर ऐप को इंस्टॉल करिएगा। कुछ इस तरीके से आपको एप्लीकेशन दिखेगी प्ले स्टोर पर या iOS स्टोर पर। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा जहां से आप डायरेक्टली इस कोर्स को एनरोल कर सकते हैं। किसी भी कंफ्यूजन के रिगार्डिंग दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप करके भी आप कंफर्म कर सकते हैं। तो चलिए आज के सेशन में बात करते हैं, हैव अ लुक गाइस। ये रहा पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर। मशीन लर्निंग इज अ सबसेट ऑफ। मशीन लर्निंग किसका सबसेट है? डीप लर्निंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डेटा लर्निंग, ऑल ऑफ दीज या नन ऑफ दीज? क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? बिल्कुल, हम लोग जानते हैं कि मशीन लर्निंग किसका पार्ट है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का पार्ट है। तो करेक्ट आंसर यहां पर बनेगा दैट इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। राइट, फिर से एक बार, मशीन लर्निंग इज अ सबसेट ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। नेक्स्ट, हु इज द फादर ऑफ मशीन लर्निंग? मशीन लर्निंग के फादर कौन है? देखिए यहां पर आपको याद ये रखना है कि एग्जाम में दो तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है, या तो फादर पूछे जाते हैं या फाउंडर पूछे जाते हैं, और दोनों ही केस में इसका आंसर अलग होने वाला है। यानी फादर पूछें तो आंसर अलग होगा, और अगर फाउंडर पूछें तो आंसर अलग होगा। तो फादर कौन है? करेक्ट आंसर बनेगा जियोफ्री एवरेस्ट हिंटन, यानी थर्ड इज द करेक्ट वन। जबकि अगर एग्जाम में फाउंडर पूछा जाए मशीन लर्निंग का, तो करेक्ट आंसर होगा आर्थर सैम्यूल, जिन्होंने 1959 में मशीन लर्निंग के कॉन्सेप्ट को फाउंड किया। ठीक, तो ये दोनों आंसर याद रखिएगा, फादर के केस में जियोफ्री एवरेस्ट हिंटन और फाउंडर के केस में आर्थर सैम्यूल, और इसका ईयर भी पूछा जाता है 1959। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, जीपीएस। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में बिल्कुल पूछा जा सकता है, इसकी पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा है। जीपीएस, हम लोग जानते हैं जीपीएस सैटेलाइट है, ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम इसको बोला जाता है। ये किसका इस्तेमाल करती है? जीपीएस सैटेलाइट किसका इस्तेमाल करती है? सीडीएमए, एसडीएमए, टीडीएमए, एफडीएमए या फिर ऑल ऑफ दीज? वेरी गुड, एंड द करेक्ट आंसर इज सीडीएमए। कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस का इस्तेमाल किया जाता है, किसके थ्रू? जीपीएस सिस्टम के द्वारा। तो ये क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है एग्जाम में कि सीडीएमए के द्वारा इस्तेमाल किया जाने वाला जो सैटेलाइट है जिसमें सीडीएमए का यूज होता है, वो सैटेलाइट सिस्टम कौन सा है? इसका जस्ट उल्टा, तो आंसर हो जाएगा दैट इज जीपीएस, ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम। नेक्स्ट वन,
पाइथन इज विच टाइप ऑफ लैंग्वेज? पाइथन जो कि बहुत फेमस लैंग्वेज है और यहां से एग्जाम में क्वेश्चन बनता जरूर है, बताइए पाइथन किस तरीके की लैंग्वेज है? हाई लेवल लैंग्वेज, इंटरप्रेटेड लैंग्वेज, डायनेमिकली टाइप्ड, गार्बेज कलेक्टेड, या फिर ऑल ऑफ दीज? बिल्कुल सही, यहां पर करेक्ट आंसर होगा ऑल ऑफ दीज, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि पाइथन आपकी हाई लेवल लैंग्वेज भी है, इंटरप्रेटेड भी है जहां इंटरप्रेटर का यूज होता है, डायनेमिकली है, गार्बेज कलेक्टेड भी इसका फीचर है, तो आंसर बन जाएगा ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु डेवलप्ड द पाइथन लैंग्वेज? पाइथन लैंग्वेज को किसके द्वारा डेवलप किया गया? जिम डैन, ग्यूडो वैन रोसम, नीनी स्टॉर्म, विक वैन रोसम, या नन ऑफ दीज? आंसर बहुत सिंपल है और आप लोग सब जानते हैं इसका करेक्ट आंसर होगा, दैट इज ग्यूडो वैन रोसम, दैट इज सेकेंड इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर सिक्स, द डीएमए ट्रांसफर्स आर परफॉर्म्ड बाय अ कंट्रोल सर्किट कॉल्ड एज डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस, यानी सीपीयू का इन्वॉल्वमेंट ना होकर सीपीयू की जगह पर डीएमए का यूज किया जाता है, तो ये जो डीएमए ट्रांसफर होता है ये किसके द्वारा परफॉर्म किया जाता है? डिवाइस इंटरफेस, डीएमए कंट्रोलर, डेटा कंट्रोलर, ओवरलुकर, या ऑल ऑफ दीज? बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर होगा डीएमए कंट्रोलर के द्वारा, यानी जो टास्क सीपीयू परफॉर्म करता है वो टास्क कौन परफॉर्म करेगा सीपीयू के बिहाफ में? डीएमए कंट्रोलर परफॉर्म करेगा, और यही हमारा डीएमए मतलब डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस का कॉन्सेप्ट है। यहां पर एग्जाम में आपको ये भी याद रखना है कि डीएमए की फुल फॉर्म क्या होती है, क्योंकि ये भी एक क्वेश्चन एग्जाम में बनता है और आंसर है डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस। नेक्स्ट वन, हाउ मेनी कीवर्ड्स प्रेजेंट इन दी पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज? पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में टोटल कीवर्ड्स, जिन्हें स्पेशल वर्ड्स भी कहते हैं, कीवर्ड्स को एक ऐसे वर्ड्स भी कहा जाता है जिसे कंपाइलर या इंटरप्रेटर समझता है। व्हाट आर कीवर्ड्स? द वर्ड्स विच आर अंडरस्टूड बाय द कंपाइलर और इंटरप्रेटर इज कॉल्ड कीवर्ड्स। तो अब क्वेश्चन ये उठता है कि पाइथन में कितने कीवर्ड है? जैसे अगर हम आपसे पूछें कि सी प्रोग्रामिंग में कितने कीवर्ड हैं, तो करेक्ट आंसर होगा 32, 32 कीवर्ड। वहीं पर अगर पाइथन प्रोग्रामिंग की बात करें तो इसमें 33, यानी 33 कीवर्ड है, तो करेक्ट आंसर होगा दैट इज थर्ड वन, 33। समझ में आ रहे हैं क्वेश्चन और उसके आंसर्स? कर पा रहे हैं आप लोग? वेरी गुड। नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट वे टू प्रिंट हेलो वर्ल्ड इन पीएचपी? पीएचपी मतलब हाइपर टेक्स्ट प्री प्रोसेसर। पीएचपी के फाउंडर कौन है? तो आपको पता होना चाहिए, मिस्टर रेसमस लेरडॉर्फ इज नोन एज द फाउंडर ऑफ पीएचपी। और पीएचपी में हेलो वर्ल्ड कैसे लिखेंगे? इको की मदद से, यानी इको लिखते हैं और फिर इसके अंदर हेलो वर्ल्ड लिखते हैं और फिर इसको एंड अप करते हैं विद द हेल्प ऑफ सेमी कॉलन, टर्मिनेट करते हैं, तो करेक्ट आंसर होगा दैट इज इको हेलो वर्ल्ड। नेक्स्ट, डैश इज यूज टू फाइंड एंड फिक्स बग्स इन दी जावा प्रोग्राम। जावा प्रोग्रामिंग में एरर यानी बग को फाइंड आउट करने के लिए किसका यूज किया जाता है? जेवीएम, जेआरई, जेडीके, जेडीबी, या फिर नन ऑफ दीज? हम लोग जानते हैं कि बग को डीबग करने के लिए डीबगर का यूज किया जाएगा, तो जावा के केस में जो डीबगर होता है उसका नाम क्या है? जेडीबी है, जावा डीबगर। तो करेक्ट आंसर होगा दैट इज फोर्थ वन, जावा डीबगर, जेडीबी और जेडीबी इस कमांड लाइन जावा डीबगर दैट डीबग्स द जावा क्लास, जो किसको डीबग करता है? जावा के कोड को, यानी जावा क्लास को डीबग करता है। नेक्स्ट, नेम दैट मैलवेयर टेक्निक विच टेक्स क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड इंफॉर्मेशन, यानी वो मैलिशियस सॉफ्टवेयर टेक्निक आपको बतानी है। मैलवेयर की फुल फॉर्म क्या है? मैलिशियस सॉफ्टवेयर है। वो मैलवेयर टेक्निक जो धोखे से क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड की इंफॉर्मेशन को ले लेती है, इस तरीके की टेक्निक को क्या कहा जाता है? फिशिंग, ट्रोजन, रैंसम, बिटकॉइन, या रूट किट? बैंकिंग रिलेटेड जितने भी फ्रॉड होते हैं वो सब फिशिंग अटैक के अंतर्गत आते हैं,
तो यहां पर करेक्ट आंसर क्या होगा? बिल्कुल सही, दैट इज फिशिंग अटैक। क्लियर है? अब क्वेश्चन ये उठता है कि फिशिंग अटैक क्या होता है? क्लोनिंग ऑफ द वेबसाइट, वेबसाइट का क्लोन करना फिशिंग अटैक में आता है। फॉल्सिफिकेशन ऑफ डेटा, धोखाधड़ी से किसी भी तरीके से इंफॉर्मेशन को लेना, ये सब आपका फिशिंग अटैक के अंदर ही काउंट होता है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग शेड्यूलिंग एल्गोरिथम मे कॉज स्टारवेशन। देखिए यहां पर आपको याद ये रखना है, सीपीयू शेड्यूलिंग एल्गोरिथम वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन, यहां से क्वेश्चन एग्जाम में जरूर बनेगा सीपीयू शेड्यूलिंग एल्गोरिथम से। जहां पर दो क्वेश्चन बहुत फेमस है, एक एल्गोरिथम दैट में कॉज स्टारवेशन और एल्गोरिथम दैट में नॉट कॉज स्टारवेशन, यानी ऐसी कौन सी एल्गोरिथम है सीपीयू शेड्यूलिंग की जिसमें स्टारवेशन होता है और ऐसी कौन सी है जिसमें स्टारवेशन नहीं होता। तो आपको ये याद रखना है कि दो ऐसी सीपीयू शेड्यूलिंग एल्गोरिथम है जिसमें स्टारवेशन नहीं होता। पहला है फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, जो स्टारवेशन फ्री है, और दूसरा है राउंड रॉबिन, जो स्टारवेशन फ्री है। इसके अलावा जितनी भी एल्गोरिथम है उन सब में स्टारवेशन होता है। तो यहां पर प्रायोरिटी, शॉर्टेस्ट प्रोसेस नेक्स्ट और शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम फर्स्ट, इन तीनों में स्टारवेशन होगा, जबकि राउंड रॉबिन और फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व में स्टारवेशन नहीं होगा। तो करेक्ट आंसर होगा सेकेंड वन, सी डी ई मे कॉज स्टारवेशन। अब क्वेश्चन ये उठता है कि सर स्टारवेशन होता क्या है? देखिए सीपीयू शेड्यूलिंग में आप लोग को यह पता होगा कि प्रोसेस एलोकेट किया जाता है सीपीयू को। सपोज करिए तीन प्रोसेस हैं, P1, P2 और P3, जो सीपीयू में एग्जीक्यूट जिनको करना था। P1 और P2 तो एग्जीक्यूट हो रहे हैं, पहले P1 गया, फिर उसके बाद P2 गया, फिर उसके बाद P1 गया, फिर उसके बाद P2 गया, लेकिन P3 का नंबर ही नहीं आ रहा है सीपीयू में एग्जीक्यूशन का। तो इस रीजन की वजह से जो P3 प्रोसेस है वो स्टारवेशन में चला जाएगा, क्योंकि P3 कह रहा है मेरा नंबर कब आएगा। और इस प्रोसेस के दौरान क्योंकि P1 जा रहा है, फिर P2 जा रहा है, फिर P1 सीपीयू में जा रहा है, फिर P2 सीपीयू में जा रहा है, तो इस रीजन की वजह से P3 जो है वो वेट करता रह जाएगा, और वेट करने का मतलब है कि वो स्टारवेशन उसमें एकर होगा। तो फर्स्ट कम और फर्स्ट सर्व और राउंड रॉबिन, इन दोनों में स्टारवेशन क्या होता है? बिल्कुल नहीं। जबकि प्रायोरिटी, शॉर्टेस्ट और शॉर्टेस्ट रिमेनिंग के केस में स्टारवेशन का केस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, व्हाट इज द टाइप ऑफ नेटवर्क इन विच द टोपोलॉजी चेंज फ्रॉम टाइम टू टाइम। कह रहा है ऐसा कौन सा नेटवर्क है जिसमें टाइम टू टाइम, मतलब समय समय पर, जो नेटवर्क है, जो टोपोलॉजी है वो बदल जाती है। ऐसा कौन सा नेटवर्क है? वाईफाई, लोकल एरिया नेटवर्क, वाइड एरिया नेटवर्क, मैनेट या फिर ऑल ऑफ दीज। बिल्कुल इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा दैट इज मैनेट, मोबाइल एडहॉक नेटवर्क। मोबाइल एडहॉक नेटवर्क एक ऐसा नेटवर्क है जिसमें समय समय पर टोपोलॉजी बदल जाती है। क्यों? क्योंकि मोबाइल एडहॉक नेटवर्क के केस में हम ब्लूटूथ को रखते हैं, हॉटस्पॉट को रखते हैं, और ये मोबाइल नेटवर्क के केस में जाना जाता है। तो इस केस में लोकेशन बदलती है तो नेटवर्क भी बदलता है, और इसी नेटवर्क को बोला जाता है मोबाइल एडहॉक नेटवर्क। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? वेरी गुड। नेक्स्ट देखिए, विच टोपोलॉजी रिक्वायर्स अ मल्टी पॉइंट कनेक्शन। ऐसी कौन सी टोपोलॉजी है जिसमें मल्टी पॉइंट कनेक्शन की रिक्वायरमेंट होती है? स्टार, मैश, रिंग, बस या फिर ऑल ऑफ दीज। करेक्ट आंसर होगा बस टोपोलॉजी में मल्टी पॉइंट कनेक्शन की रिक्वायरमेंट होती है। सो द करेक्ट आंसर इज बस टोपोलॉजी। हम लोग जानते हैं कि बस टोपोलॉजी में एक केबल होती है और उसी केबल से सारे कंप्यूटर्स कनेक्टेड होते हैं। केबल के दोनों तरफ टर्मिनेटर्स को लगाया जाता है। तो याद रखिएगा कि वन एंड में टर्मिनेटर और लास्ट एंड पर भी टर्मिनेटर लगा होता है। नेक्स्ट, द ओनली फंक्शन ऑफ नॉट गेट इज। नॉट गेट का जो फंक्शन है वो क्या है? स्टॉप सिग्नल, इनवर्ट इनपुट सिग्नल, एक्ट एज अ यूनिवर्सल गेट, ऑल ऑफ दीज या नन ऑफ दीज।
बिल्कुल सही, नॉट गेट का काम होता है इन्वर्ट करना, यानी जीरो का वन और वन का जीरो, है ना, यही तो होता है। तो यानी यहां पर करेक्ट आंसर होगा इन्वर्ट द इनपुट सिग्नल, सेकेंड इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट, विच गेट इज नोन एज इन्वर्टर, मल्टीप्लीकेशन एंड एडिशन गेट। कह रहा है लॉजिक गेट में से किस गेट को इन्वर्टर गेट बोलते हैं, मल्टीप्लीकेशन गेट बोलते हैं या फिर एडिशन बोलते हैं। करेक्ट आंसर आप लोग जानते हैं, नॉट एंड और गेट, इन्हीं को ही इन्वर्टर, मल्टीप्लीकेशन एंड एडिशन के नाम से जानते हैं। सो दी करेक्ट वन इज ऑप्शन नंबर वन। नेक्स्ट वन गाइस, क्वेश्चन नंबर 16। इट इज द कॉलम्स ऑफ अ टेबल दैट पॉइंट्स टू द कैंडिडेट की ऑफ अनदर टेबल, यानी डेटाबेस से ये क्वेश्चन आता हुआ। और हम लोग जानते हैं डेटाबेस में जब भी दो टेबल की बात होती है, देखो यहां पर क्या कह रहा था, वन टेबल ऑफ अनदर टेबल, तो कितने टेबल्स हैं, दो टेबल। और जब भी दो टेबल्स की बात होगी तो आंसर क्या होगा, फॉरेन की होगा। क्या होगा आंसर, फॉरेन की। फॉरेन की का कॉन्सेप्ट क्या है, फॉरेन की कहती है कि अगर एम्प्लॉय आईडी है वो पहली टेबल में प्राइमरी की है, तो वही एम्प्लॉय आईडी दूसरी टेबल में फॉरेन की के रूप में जानी जाएगी। दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ फॉरेन की। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वन। TCP/IP मतलब ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल एंड इंटरनेट प्रोटोकॉल। मॉडल हैज हाउ मेनी लेयर्स, TCP/IP की कितनी लेयर्स है। कई बार कैंडिडेट कहते हैं सर फोर लेयर, कई बार कैंडिडेट कहते हैं सर फाइव लेयर्स। करेक्ट आंसर क्या है, फोर है या फाइव है, सेवन तो हो नहीं सकता क्योंकि OSI मॉडल में सेवन लेयर्स है। यहां पर करेक्ट आंसर होगा फाइव लेयर्स। फाइव क्यों, फोर क्यों नहीं, इसके पीछे का रीजन ये रहा। जब TCP/IP मॉडल बनाया गया था तब उसमें फोर लेयर्स को एस्टैब्लिश किया गया था, जिसमें पहली लेयर थी लिंक लेयर, जिसे नेटवर्क लेयर भी बोला गया, फिर इंटरनेट लेयर, देन ट्रांसपोर्ट और देन एप्लीकेशन। लेकिन इसको अपडेट कर दिया गया और फोर की जगह पर फाइव लेयर्स के रूप में इसको देखा जाने लगा। तो यानी अगर क्वेश्चन में ये मेंशन नहीं होगा कि ओल्ड पूछ रहे हैं या अपडेटेड वन, तो इस केस में आंसर क्या होगा, अपडेटेड के अकॉर्डिंग होगा, यानी फाइव इज द करेक्ट वन। फाइव के केस में आप देख सकते हैं जैसे OSI मॉडल में आपकी लेयर्स थी, वही लेयर्स यहां पर भी हैं, बस सेशन और प्रेजेंटेशन लेयर TCP/IP में एब्सेंट है। तो ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा जाता है कि TCP/IP मॉडल में ऐसी कौन सी लेयर हैं जो OSI मॉडल में होती है लेकिन TCP/IP मॉडल में हिडन होती है या नहीं होती। तो आंसर होगा सेशन और प्रेजेंटेशन लेयर TCP/IP मॉडल में नहीं होती है, फिजिकल है, डेटा लिंक है, नेटवर्क है, ट्रांसपोर्ट है और एप्लीकेशन है। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? नेक्स्ट वन, विच ऑफ द फॉलोइंग कमांड इज यूज टू सेव एनी ट्रांजेक्शन परमानेंटली इन टू द डेटाबेस। डेटाबेस में किसी भी ट्रांजेक्शन को परमानेंट करने के लिए कमिट का इस्तेमाल किया जाता है। तो करेक्ट आंसर यहां पर क्या होगा, दैट इज कमिट। और एक बार जो आपने कमिटमेंट कर ली है ना, फिर उसके बाद तो आप अपने आप की भी नहीं सुनते, यही तो है कमिटमेंट। और अगर बैक जाना है आपको कमिट करके, तो रोल बैक कर लेते हैं हम लोग। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट, विच प्रोटोकॉल इज यूज्ड टू सेंड द मेल। मेल भेजने के लिए कौन सी प्रोटोकॉल का यूज किया जाता है। ईमेल से क्वेश्चन आता हुआ, POP3, SMTP, STTP, DHCP या IMAP। बिल्कुल करेक्ट आंसर आप लोग सब जानते हैं, SMTP is used to send the mail. मेल को भेजने के लिए जो प्रोटोकॉल है वो कौन सी है, SMTP है, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल है। अब आप मुझे कमेंट बॉक्स में ये कमेंट करके बताएंगे कि SMTP किस पोर्ट नंबर पर काम करती है, इन विच पोर्ट नंबर SMTP works. क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन, RSA algorithm is best example of. RSA एग्जाम्पल, ये RSA जो एल्गोरिथम है जिसको हम लोग डिजिटल सिग्नेचर में पढ़ते हैं, है ना, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। RSA एल्गोरिथम इज द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ एसिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी, सिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी, एलिप्टिक कर्व क्रिप्टोग्राफी, ऑल ऑफ दीज या नन ऑफ दीज। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वन, द करेक्ट आंसर इज एसिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी।
दो तरीके की क्रिप्टोग्राफी होती है, एक सिमेट्रिक होती है और एक एसिमेट्रिक। तो जब भी हम लोग आरएसए एल्गोरिथम की बात करते हैं, जिसकी फुल फॉर्म है राइवस्ट शमीर एडलमैन एल्गोरिथम, दैट इज कॉल्ड आरएसए एल्गोरिथम, ये एसिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी पर बेस्ड है। तो इसको याद रखिएगा, दीज आर दी बेस्ट 20 क्वेश्चंस जो आज के सेशन में हम लोग ने देखे। सेशन आपको कैसा लगा? क्या ये क्वेश्चंस आप लोग कर पाए? आउट ऑफ 20 आप लोग ने कितने क्वेश्चन के आंसर्स सही दिए, ये भी आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। इसी तरीके से लगातार आपको यहाँ पर मॉक टेस्ट मिलते रहेंगे, जिससे आप एग्जाम से पहले अपनी प्रिपरेशन को एक बार फिर से रिकॉल कर पाएंगे। बाकी अगर आपको एक कंप्लीट बैच में कनेक्ट होना है तो आप राजस्थान कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर की कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। इसके लिए आपको अरोड़ा एजुकेटर ऐप को इंस्टॉल करना होगा और वहां पर जाकर ये कोर्स आपको अवेलेबल मिलेगा, जिसको आप लोग बिल्कुल ज्वाइन कर सकते हैं और पीडीएफ से एग्जाम तक रिवाइज भी कर सकते हैं। बाकी अगर कोई कंफ्यूजन है, कोई डाउट है, कोई क्वेरी है, तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर भी आप व्हाट्सएप करके या मैसेज करके कंफर्म कर सकते हैं। कैसा लगा आपको सेशन, कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही साथ अगर आपको सेशन पसंद आया हो तो एक बार लाइक जरूर करिएगा, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। बहुत जल्द मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर टू ऑल ऑफ यू गाइस। थैंक यू वेरी मच। बाय बाय एंड टेक।